मेरा कार्यक्रम में उपस्थित फावड़ा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, भालू आछेन तो भाइयों बहनों, मैं जानता हूं टीएमसी के गुंडों ने पूरे रात भर आपको परेशान किया है, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप सब उन गुंडों की धमकियों को धुतकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में इस सभा में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि मैं भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती से, परमहंस राम कृष्ण की इस धरती पर उपस्थित हुआ हूं। बंगाल की धरती सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती है, बंगाल की धरती परिवर्तन की धरती है, बंगाल की धरती ने इस देश को राष्ट्रगान भी दिया है, राष्ट्रगीत भी दिया है। बंगाल की धरती ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी धरती पर पैदा हुए थे। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि ठाकुर अनुकूल चंद की ये पावन धरती है, इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है और अभी निधि समर्पण के कार्यक्रम में बंगाल ने जो योगदान दिया है, इसके लिए बंगाल की धरती का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जिस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ टीएमसी के गुंडों का सामना कर रहे हैं, आप बहुत, मुझे लगता है कि अब आपको 30 दिन का मात्र इंतजार करना है। ये 30 दिन उल्टी गिनती के हैं, एक एक दिन कम होता जाएगा प्रतिदिन। और 2 मई को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर बनेगी, तो टीएमसी के गुंडे उसी प्रकार से जान की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया और गुंडे आज जो वहां गरीबों को सताते थे, आम नागरिकों का जीना जिन्होंने हराम कर दिया था, मां बहनों की इज्जत पर जो लोग सेंध लगाने का दुस्साहसिक प्रयास करते थे, और व्यापारिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक संपत्तियों पर जो लोग कब्जा करते थे, ठेके पट्टे जबरन हथियाते थे, कैसे आज भीगी बिल्ली बनकर के दुम दबा करके उत्तर प्रदेश के अंदर जान की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही टीएमसी के गुंडों का हाल भी बंगाल के अंदर होने वाला है। कानून के दायरे में भाग करके इन सभी गुंडों को सजा दिलाने का कार्य होगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने जो साहस दिखाया है भाजपा के पक्ष में, मैं इसके लिए सचमुच आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।